गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। गाजीपुर बस हादसे में मंत्री एके शर्मा के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, 3 निलंबित, 1 की सेवा समाप्त। अधिशासी अभियंता मनीष, एसपीओ संतोष चौधरी और जय प्रदीप कुमार राय को निलंबित और लाइनमैन नरेंद्र, संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति का आदेश मंत्री श्री शर्मा ने मंडलायुक्त, डीएम, एमडी समेत अन्य अधिकारियों से बात कर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर बारातियों से भरी हुई एक बस के हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आने से दुखद हादसा हुआ है। बस में लगी आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं कई लोग झुलस गए हैं। ऊर्जा एवं नहर विकास मंत्री श्री एके शर्मा ने घटना की जानकारी होते ही 3 अधिकारियों को निलंबित और 1 की सेवा समाप्त कर दी है। वही बस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करने एवं परिजनों को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मंत्री श्री शर्मा ने घटना की जानकारी मिलते ही सख्त कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जय प्रदीप कुमार राय को निलंबित और लाइनमैन नरेंद्र, संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता से बात की। सभी अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाते हुए घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सहित प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का आग्रह किया है। साथ ही मंत्री श्री शर्मा पीड़ित परिवारों से स्वयं मिलने के लिए गाजीपुर और मऊ भी पहुंचे। बता दें कि गाजीपुर के मर्दर थाना के 400 मीटर के पास एचटी तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई, जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार हुई बस बारातियों से भरी बताई जा रही है। बस मऊ से एक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी, जिसमें कुल 38 बाराती बस में सवार थे। और कोई परिवार का और कोई घायल या सिस्टर है, वो बच्चे ही वो उसको बगल में मार रहा है, बच्चा था ज्यादा गया था। अभी फिर स्टेबल है ना? जी, सब ठीक है। इन लोग का नाम है लक्ष्मी जी, खाना मतलब इसको खाना मतलब माँ बेटा से भेज दिया। इसके थोड़ा सा ये करंट लगा है, तो इसका थोड़ा सा ये झटका लगा के गिरा है। इस बार तेज हो गया।